हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जी टेक्नो। मैं हूं जाहिद और आज की वीडियो में करने वाला हूं न्यू जुपिटर ग्रैंडे की कंप्लीट रिव्यू। क्या क्या चेंजेस इस स्कूटर में किया गया है कंपेयर टू ओल्ड जुपिटर, क्या है इसकी माइलेज और ये कौन कौन से वेरिएंट में अवेलेबल है, क्या है उन वेरिएंट की प्राइस, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें जी टेक्नो चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। सबसे पहले बात करते हैं TVS ग्रैंडे के हाईलाइट फीचर्स के बारे में जो इसमें चेंजेस किया गया है। तो सबसे पहला चेंज आपको देखने को मिलता है वो है इसके कलर में। इस कलर को स्टार लाइट ब्लू नाम दिया गया है। दूर से ये स्कूटर ब्लू लगती है बट आप सामने से देखेंगे तो आपको इसमें ग्रीन कलर भी देखने को मिल जाएगा। सेकेंड चेंज इसके मडगार्ड में किया गया है, यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है। एंड थर्ड चेंज आपको इसके मिरर में देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी एक क्रोम का यूज़ किया गया जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक देता है स्कूटर को। फोर्थ चेंज इसके हेडलैम्प में फुल LED लाइट का यूज़ किया गया है विथ DRL जो कि प्रीवियस जुपिटर में आपको नहीं मिलता था। फिफ्थ चेंज इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में देखने को मिलता है, इसमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। पहले एक्टिवा 125 में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया था, अब जुपिटर ग्रैंडे में भी ये चीज़ आपको मिल जाता है। स्पीड मीटर एनालॉग है, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, क्लॉक, इकोमीटर ये सब डिजिटल दिया गया है। ग्रैंडे में आपको कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है जो कि TVS ने सिंक नाम से दिया है और इसका बेनिफिट ये है कि जब भी आप रियर ब्रेक लगाएंगे तो दोनों व्हील में ब्रेक जो है एक साथ अप्लाई होगी जिससे आपकी गिरने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सेवन चेंज इसकी सीट मैरून कलर में है और इसमें क्रॉस स्टिचिंग किया गया है जो कि काफ़ी डिफरेंट लुक देता है। सिटिंग कंफर्ट इसकी काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू ओल्ड जुपिटर बट क्लासिक की कंफर्ट ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू ग्रैंडे। इसमें आपको पार्किंग ब्रेक भी मिल जाता है एंड पासिंग स्विच भी दिया गया है एंड फुटरेस्ट भी काफ़ी कन्वीनियंट है। अब बात करते हैं बाकी स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें 110cc का सिंगल सिलेंडर सिंगल वॉल्व इंजन दिया गया है और ये इंजन प्रोड्यूस करती है 7.8 PS की पावर एंड 8 Nm की टॉर्क। 0 to 60 की स्पीड ग्रैंडे 9 सेकंड में टच कर देती है एंड टॉप स्पीड 80 km/h है। माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 62 KMPL की माइलेज बट रियल में आपको मिलता है 45 to 50 की माइलेज, बाकी आपके राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। डायमेंशन की बात करें तो ग्रैंडे की ओवरऑल हाइट जो है 1115 mm है एंड ओवरऑल लेंथ जो है 1834 mm है एंड विथ 650 mm है एंड सीट हाइट 765 mm दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm दिया गया है एंड व्हील बेस 1275 mm दिया गया है। अंडर स्टोरेज एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो ग्रैंडे में 17 लीटर का अंडर स्टोरेज दिया गया है जिसमें आप स्मॉल साइज हेलमेट आराम से रख सकते हैं। इसमें आपको मोबाइल चार्जिंग किट नहीं दिया गया है तो अलग से लगवाना पड़ेगा एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है 5 लीटर दिया गया है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है और रियर में हाइड्रोलिक मोनोशॉक दिया गया है जो कि एडजस्टेबल है तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जुपिटर ग्रैंडे 2 वेरिएंट में अवेलेबल है डिस्क एंड ड्रम। डिस्क वेरिएंट में आपको डायमंड कट अलॉय व्हील मिलता है एंड बेस वेरिएंट में स्टैंडर्ड अलॉय व्हील दिया गया है। दोनों ही व्हील में 90x90mm 12 इंच का ट्यूबलेस टायर का यूज़ किया गया है। प्राइस की बात करें तो स्टैंडर्ड वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस है 55,900 rupees इन दिल्ली एंड डिस्क वेरिएंट की प्राइस है 59,600 rupees इन दिल्ली। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और मेरे चैनल जी टेक्नो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये स्कूटर मेरे फ्रेंड शुभम की है तो बहुत बहुत बधाई हो भाई न्यू स्कूटर के लिए।